नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पे मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम जिला बागपत की तहसील बड़ौत में आए हैं, यहाँ पे आदमपुर गांव में। ये हमारे किसान भाई हो गए, एक बिल्कुल नई बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी जब रिलीज हुई है उसकी प्रॉपर जानकारी पूरी दूंगा। किसान के खेत में यहाँ पे हैं तो भाई से पूरा इंट्रोडक्शन भी इस विषय में करा देता हूँ। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अनुज कुमार है और मेरा गाँव आदमपुर है, तहसील बड़ौत, जिला बागपत। पिछले साल हम लोगों ने 38 से तंग होकर, जैसा कि उसमें रोगों की हमें जानकारी, हमने कई सारी वैरायटी लगाई। हाँ जी। तो हम गन्ना सोच शाहजहाँपुर से कुछ वैरायटी लाई थी, उनमें एक वैरायटी हमारी ये 11203 है। 11203 CULK लखनऊ की है, वैरायटी है। अब देखो आप ये वैरायटी, ये देखो लगी है ऊपर की तरफ, देखो बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल लगभग 23 के समान जैसी दिखी है, बिल्कुल एक सार पीला है ऊपर तक और थोड़ा जिग जैग भी ले रही ऊपर की तरफ से, और गिरने की समस्या से। ओ भैया, ये तो ऊपर की तरफ खुद मेगा बन रहा। अच्छा जी, और नीचे भी अच्छा हो रहा जी गन्ना इसका। सबसे बड़ी बात मेरे को लग रहा है भाई, रोग वगैरह तो मेरे को लग नहीं रहा इसमें कुछ भी आया। कोई रोग नहीं आया, कोई इसमें दवाई नहीं की, कोई पेस्टिसाइड इसमें, कोई दो जैसी स्पेसिफिक कुछ नहीं थी। देखो किसान भाई, अच्छे से तौर पे हमने लगाई, अच्छे से पहचान लो वैरायटी को आप। ये देखो जी, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाई गई थी। कब की बुआई थी ये? है जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बुआई है इसकी, और उसके बाद हम लोगों ने इसे बोएंगे, बढ़ाएंगे इसे थोड़ा सा, और इसका 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर का इसका लगभग जो हमें उस टाइम पे शोध संस्थान ने कहा था वो इसका बताया था प्रोडक्शन। हाँ जी, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन देखेंगे काटेंगे जब पता। ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आपका खेत ऊंचा है, यहाँ पे पानी वाणी की दिक्कत है। ऊंचा है, यहाँ पे पानी की समस्या रहती है, तो यहाँ पानी नहीं चढ़ पाता। चलो थोड़ा सा आगे को गन्ना दिखाओ आप एक बार, उसके बाद में आगे बढ़े। देखो दोस्तों वैरायटी दिखा दूँ, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और गन्ने को आप अच्छे से पिछाड़ लियो। ठीक है, जहाँ से पत्ता उतर गया तो हल्का सा गन्ना लाल पड़ गया। ये देखो आप, यहाँ भी ऐसे ही बन रहा है जी, गजब। ये अर्ली में पास है वैरायटी, अर्ली में पास है, पास हुई है, यानी कि रिकवरी अच्छी है इसकी। रिकवरी अच्छी है, रिकवरी इसकी अच्छी है, किसी तरह की कहीं कोई समस्या नहीं, कीट पतंग वगैरह मेरे को कहीं कुछ नहीं दिख रहा। और अच्छे से आप लोग पहचान कर लो इस वैरायटी की, मोटी मोटी आँख है बिल्कुल। ये देखो, वैसे बाहर नहीं निकल रही, मैं तो कहना लगूँ गन्ने से बहुत बाहर है, ट्रांसपोर्ट लाग भी है आराम से मजे में, कहीं कोई समस्या नहीं आनी। हाँ जी, तो थोड़ा कम गोड़ था, इस बार बढ़ाओगे जी से फिर? हाँ इस बार इसे बढ़ाएंगे, हमें ये बीज पसंद आया क्योंकि इसमें जो हमें खासियत लगी, एक तो गन्ने की मोटाई बिल्कुल बराबर है ऊपर। हाँ जी, जिससे गिरने की समस्या नहीं है, तो बराबर में 35 ही वो रखा है, 14201 भी है, और भी वैरायटी है। हाँ जी, सबसे कम जो गिरने की समस्या है वो इस बीज में है, इसमें है। हाँ, क्योंकि इसकी जो नीचे से पूरी नेड़ी है, ऊपर पूरी जो होती है वो नेड़ी रहती है, ज्यादा चौड़ी भी नहीं होती, लेकिन मोटाई बराबर लेकर रखती है। वो 35 का तो भाई बहुत भंड खराब है इसके, तो मैंने देख ले बहुत ज्यादा मामला खराब है। चलो उसकी वीडियो अंकित भाई ने बनाई थी, हो जाएगा वो तो। ठीक, और एक वैरायटी और है आपके पास में, वो और मेरे को दिखाओ। 13452 ये 85 वैरायटी है, ये भी दिखाओ। ये सिंगल बड़ में लगाया था कि पेंडा भी नहीं लगा? सिंगल बड में लगा हुआ है। सिंगल बड में लगा, ठीक है जी। दो फूट एक छोटा सा, देखो कोई ज्यादा गोड़ तो इसमें इन्होंने यहाँ पे कर नहीं रखी, पर ये तो सर 14201 है मेरे ख्याल से। ये 13452 इस तरह की है। हाँ जी, ये भी इसी तरीके की वैरायटी है, देखो जी। लेकिन इसमें थोड़ा ये 13452 होगी शाहजहाँपुर की, ये शाहजहाँपुर की वैरायटी है, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा। देखो किसान भाई अच्छे से दिखा दो, देखने में गन्ना लगभग ऐसा ही है जैसा 14201, तो मुझे भी थोड़ी सी शंका थी, थोड़ी स्थिति में क्लियर कर दूँ। शाहजहाँपुर ने वैरायटी बनाई है, शाहजहाँपुर की होगी जी? तो हाँ शाहजहाँपुर की, ये शाहजहाँपुर की वैरायटी है, साइज से प्यारा बनना 85 है ये, यानी कि जर्नल वैरायटी आपकी है। चल लगभग ऐसी ही रही है जैसे वो थी, वैसे नीचे कोई समस्या इसमें तो है नहीं किसी तरह की, और गन्ना भी साफ ही दिख रहा है जी, बिल्कुल स्थिति एकदम सही बन रही, बल लगभग लगभग 14201 जैसे ही मान लियो आप। कलर भी कुछ ऐसी है, गोड़ा भी कुछ ऐसा ही है, वैरायटी जर्नल की है, जर्नल का बेहतरीन ऑप्शन एक ही हो सकता है। तो भाई साहब फर्टिलाइजर और बताओ आपने कौन कौन से दिए इसमें? इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया, गोबर की खाद है। इसके अलावा इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने इस खेत में वो के देखी थी सारी वैरायटी। हाँ। कि बिना फर्टिलाइजर के कौन सी वैरायटी चलती है। 38 की सबसे बड़ी समस्या जो आई थी वो फर्टिलाइजर की आई थी, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा देने पड़ने लगे थे, तो हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था कि कौन सी वैरायटी कितने फर्टिलाइजर पे कैसा काम करती है, कितने फर्टिलाइजर। लेकिन हमें फर्टिलाइजर, फिर हमने जब देखा कि हमारी वैरायटी सारी ठीक चल रही है, हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया, गोबर की खाद दी है। गोबर की खाद दी है, नहीं बढ़िया चल रही है। पर एक बात तो है इसमें, मेरे को जो दिखा है इसमें साइज कुछ एक्स्ट्रा है इसका, 14201 कहीं एक्स्ट्रा मार रहा है। हाँ, बाकी देखो एक वैरायटी आपकी ये रही, ये 15027। चलो जी 15027
करनाल की वैरायटी अभी 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 अप्रूव नहीं, पर गन्ने में नीचे से भी दिखा दूं, ये है जी मोटे मोटे लट 15027 के, अपने फुल कैरेक्टर में जिग जैग फॉर्म में चल रहा है जी। ये देखो तिरछी तिरछी होगा पूरी चला है, पर बहुत ही दमदार गन्ना है, किसी तरह की कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये देखो जी वजन भी नहीं, वजन भी मान गया जी, वहाँ वजन बिल्कुल है, जब हम गिरने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब हम बीज लाए थे तो ऐसा इतना मोटा मोटा कर रहा, इतना वजन था। ए भैया, ओ भैया क्या है वो ऊपर तक ऐसा भाई साहब भाई कमाल करके इस बीज ने भी, गोड़ा भी ठीक ठाक इस पे है, पर ये अभी अप्रूव नहीं है, कोई कंटी वगैरह तो इसमें है नहीं। ये तीनों वैरायटी देखिए, कंटी तो कोई सी में है नहीं मेरे ख्याल से, कंटी कोई सी में नहीं, बिल्कुल साफ चल रही है। बाकी अभी वैरायटी सेशन नहीं हुई तो थोड़ा देखना पड़ेगा होती है कैसे, हो कैसे नहीं है। तो भाई जी कोई ऊपर से कोई स्प्रे वगैरह तो थी नहीं इसमें? नहीं कोई स्प्रे नहीं, किसी पूरे खेत में कोई स्प्रे नहीं है। तो ट्रेंच के लगभग मान लियो, ट्रेंच बो रखा आपने? हाँ ट्रेंच ही बो रखा हमने, दो वो क्या एक छोड़ रखा, तो पेड़ो कह सकते हो आप इसे, पेड़ो कह सकते। देखो तीन वैरायटी भाई ने दिखाई है, 15027 11203 और 13452 तो होगी शाहजहांपुर की, और CUL के 11203 होगी आपकी लखनऊ की। ये दो वैरायटी है जो लखनऊ की होगी वो तो अर्ली की होगी, हाँ जी। और जो शाहजहांपुर की होगी वो जर्नल की होगी, और 15027 का भी अनिश्चित है क्या होगा इसका क्या नहीं, अभी अनिश्चित में मामला। पर तीनों वैरायटी बहुत ही अच्छी दिखी मेरे को यहाँ पे आके। तो किसान भाइयों इस तरह की नई नई वैरायटी की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, आपके सुझाव सदा आमंत्रित है। कोई वीडियो में कभी पेश रही हो तो घर पर कमेंट वगैरह देकर हमें बता दें, ताकि हम अगली दफ़े उन चीज़ों को ले सकें। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है जी भाइयों, नमस्कार।